गाइस वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। और आज अभी नवरात्र चल रहा है, नवरात्र 2022 का, और हम लोग पहुंचे हुए हैं बीरगंज, गहवा माई की तरफ जा रहे हैं। और यहां पे अभी गाड़ी लगा दिया हमने और गहवा माई की तरफ जा रहे हैं। तो दोस्तों बता दूं, गहवा माई का जो मंदिर है वो बहुत ही प्राचीन मंदिर है, जिसको माई स्थान बोलते हैं बीरगंज में, और इधर का पूरा बहुत ही फेमस मंदिर है। तो यहाँ पर दशहरा का जो नवरात्रि का जो सेलिब्रेशन होता है बहुत ज़बरदस्त होता है। तो चलिए आपको दिखाते हैं गहवा माई का मंदिर। और हम अभी छः नंबर गेट के पास हैं, 3 नंबर रोड में, और यहाँ से गहवा माई मंदिर चलेंगे। दोस्तों अभी हम लोग माई स्थान के ठीक सामने पहुँच चुके हैं, और आप देख सकते हैं माई स्थान के सामने कितना भव्य सजावट हुआ है। और ये रहा माई स्थान मेन मंदिर, मंदिर का ये मेन गेट है। तो आप देख सकते हैं कितना भीड़ है इस पर, और लाइन लगा हुआ है दर्शन के लिए। इस समय आरती का टाइम है। और ये जो माई स्थान मंदिर है, इसको गहवा माई बोलते हैं, और ये बीरगंज का बहुत ही फेमस मंदिर है। और इसके सामने है बीरगंज का मेन रोड, जो कि तो दोस्तों ये है गहवा माई का मंदिर का पूरा एरिया। और आज नवरात्रि में हम लोग इधर घूमने टहलने पूजा पाठ करने के लिए पहुंचे हुए हैं, जैसा कि आपको बताया था। और आप देख सकते हैं कितना भीड़ भाड़ है, इधर प्रसाद बट रहा है, कहीं पे पानी बट रहा है।
और इधर साइड का एरिया है, मेन एरिया हमने आपने देखा वीडियो में पहले भी, मेन एरिया काफी उसमें थोड़ा सा खुला है और वो मेन रोड से कनेक्ट होता है। गहवा माई का जो मेन गेट है वो सीधा जाके मेन रोड पे मिलता है, दिलगंज मेन रोड पे। और ये एग्जिट गेट है, जो लोग दर्शन कर लेते हैं वो लोग इधर से निकलते हैं इस साइड से। और ये देखिए प्रसाद जा रहा है तो लोग कितना भीड़ लगा रहे हैं, प्रसाद वितरण हो रहा है यहाँ पे। लोग दर्शन कर लिए हैं और इधर ही घूम रहे हैं, घूम टहल रहे हैं और अब आगे चल के देखते हैं और क्या होता है। दुकान लगा हुआ है इधर, दोस्तों प्रोग्राम हो रहा है वो देखते हैं।
for watching.